प्यारे बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 15 और एप्लीकेशन बेस्ड त्रिभुजों की समरूपता से संबंधित एक डेली लाइफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे दिया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। तो कोई स्तंभ है जो कि कितना है 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ यानी कि जो सीधा खड़ा है, ये हमारे पास स्तंभ हम ले लेते हैं जिसकी जो ऊंचाई है वो 6 मीटर है और इसकी जो छाया है लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब इसी तरह से एक मीनार है, ये हम मीनार मान लेते हैं, जो स्तंभ है 6 मीटर ऊंचा, इसकी जो छाया की लंबाई है वो 4 मीटर है। तो छाया तो जमीन पर ही पड़ेगी, ये जो छाया की लंबाई है वो 4 मीटर है, ये हमने इसको इससे मिला दिया। ठीक इसी तरह से जो मीनार है उसकी जो छाया की लंबाई है वो 28 मीटर है। अब हमने क्या किया, मीनार का जो टॉप है चोटी है उसको इस छाया के अंतिम छोर से मिला दिया, जैसे यहां पे मिला है। अब यहां पे अगर हम इसको नाम दे दें कि त्रिभुज ए बी सी और ये त्रिभुज पी क्यू आर, तो ये हमने बना लिया चित्र। एक बार फिर पढ़ते, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। ये स्तंभ 6 मीटर का, उसकी जो छाया जमीन पर ही होगी ना 4 मीटर, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, ये मीनार ये उसकी छाया है, छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मीनार की ऊंचाई हमने एच मान ली, एच मीटर। अब देखो हम लिखते हैं कि स्तंभ की ऊंचाई यह है हमारे पास 6 मीटर और स्तंभ की छाया की लंबाई यह है हमारे पास 4 मीटर। माना मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, मान लेते हैं एच मीटर, और मीनार की छाया की लंबाई, मीनार की छाया की लंबाई वो है हमारे पास 28 मीटर। अब आप देखिए कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर में, अब ये देखो ऊर्ध्वाधर है तो कोण बी और कोण क्यू बराबर होंगे, कैसे हैं, समकोण है। दूसरी बात, एक ही समय की बात है तो जो स्तंभ है या मीनार है उसकी चोटी से छाया के अंतिम छोर का जो कोण है वो भी बराबर होगा, यानी कि कोण सी और कोण आर भी बराबर है। अब दो कोण बराबर हो गए, यहां पे हमारे पास दो कोण बराबर हो गए, यहां से आप इसके लिए क्या रीजन लिखना चाहोगे, अगर आप इसको इसका रीजन लिखें कि सी और आर कोण किस बेस पे बराबर है, कोण सी और कोण आर किस बेस पे बराबर है, क्योंकि एक ही समय की बात है जब उनकी छाया पड़ रही है, तो छाया जब पड़ रही है तो जो स्तंभ की जो चोटी है या मीनार की जो चोटी है उससे छाया का अंतिम छोर को जब मिलाएंगे तो कोण तो सेम ही बनेगा, छाया भी तो उसी अनुपात में है।
तो इस वजह से कोण बराबर है। अब यहां पे हमारे पास नियम कौन सा लग गया, कोण समरूपता नियम के अनुसार हम कह सकते हैं कि ए बी बटे में पी क्यू बराबर है बी सी बटे में क्यू आर बराबर है ए सी बटे में पी आर। अब ए बी का मान कितना है 6, पी क्यू का मान कितना है h निकालना है, बी सी का मान कितना है हमारे पास बी सी 4 और क्यू आर का मान कितना है 28। तो ये ले लेते हैं बस, इसकी जरूरत ही नहीं हमें। अब इसको आर पार गुणा कर देते हैं, 4h बराबर है 6 गुना में 28 और h बराबर है 6 गुना में 28 बटे में 4, 4 × 4 = 28 h बराबर है 6 × 7 = 42। तो आ जाएगा हमारे पास मीनार की ऊंचाई बराबर है 42 मीटर। तो हमारे पास जो मीनार की ऊंचाई है वो कितनी आ जाएगी, 42 मीटर आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल नहीं तो मतलब 3 साल में 2 बार जरूर बोर्ड में इस तरह का एक क्वेश्चन आता है। तो मतलब इसकी जो चांसेस है पेपर में आने के वो बहुत ज्यादा है, एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो अच्छे से इस क्वेश्चन को करना है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15।